तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कचौरी का जो मैदा होता है वो आटा, उसके लिए मैंने लिया 2 कप मैदा, 1 चम्मच घी है और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने लिया है नमक। अब इसको बीच में डालकर और अच्छे तरीके से मैं गून लूँगी। सॉफ्ट सी आपने डो बनानी है, इसमें और कुछ भी यीस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा, नॉर्मल जो पानी होता है आप उससे गून लेंगे। और आपने इसकी सॉफ्ट सी डो बना ली है, ना बहुत हार्ड हो और ना बहुत सॉफ्ट हो। और आपको मैं साथ ही साथ बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। ये देखें, बातें करते करते ही मेरा जो आटा है वो गुन चुका है और अब मैं इसको हाथ से ऐसे फ्लैट फ्लैट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट सा हो जाए। और अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैं इस तरह गूंदूंगी। वैसे मुझे आदत नहीं है हाथ से गूंदने की, मैं मशीन में गूंदती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा गूंद ही लिया है। अब मैं इसको एक छोटे से बाउल में रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। आप इसको साइड पर रख दें कवर करके और इस पर ऊपर घी लगा दूँगी थोड़ा सा, ताकि ये जो है ऊपर से हार्ड ना हो, सॉफ्ट ही रहे। और अब मैं इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए साइड पे रख दूँगी। और अब मैं क्या रही हूँ, क्या कर रही हूँ, साथ ही मैं इसके साथ जो इसका मिक्सचर है वो बनाने लगी हूँ। मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है, हरी मिर्चें हैं, 1 अदद मीडियम प्याज है, ये है तिक्का मसाला, गरम मसाला थोड़ा सा लिया मैंने, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है और लाल मिर्चें हैं और नमक। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बहुत ही कम लिया क्योंकि रोज़ों में आपको पता है इतना ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते। मैंने एक पैन में घी डाल दिया है, उसके बीच में मैंने प्याज डाल रही हूँ और इसको लाइट सा सोते कर लूँगी। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना, ये क्रंची ही रहना चाहिए। जब इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए कर लेंगे, देखें लाइट सा इसका कलर चेंज हुआ है, ट्रांसपेरेंट ही हुआ है, ब्राउन नहीं करना आपने। फिर इसके बीच में बॉयल्ड हुआ हुआ चिकन डाल देंगे और इसको भी आप थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि जो इसकी रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसकी भुनाई आपने मस्ट करनी है, वरना इसमें से थोड़ी सी स्मेल आएगी, चिकन की जो स्मेल होती है। फिर इसकी भुनाई करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद इसके बीच में हम मसाले शामिल कर देंगे। अब स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस रेसिपी से बनाया था और ये बहुत 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 ज़्यादा मज़े की बनी थी। बिलीव करें कि मज़ा आ गया था खा के, लग नहीं रहा था कि घर की बनी हुई कचौरी है। अब इसके बीच में आप हरी मिर्चें डाल देंगे, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इसमें ली हैं। अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि जो हरी मिर्चों का टेस्ट है वो चिकन में डेवलप हो जाए। और फिर हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे, ज़्यादा देर आपने इसको नहीं पकाना ताकि जो हमारा प्याज है वो नरम हो जाएगा, वरना हमने इसको नरम नहीं करना। फिर जी अब ये बन चुका है और अब मैं इसको चूल्हे से उतार रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जी नेक्स्ट डे अब ये मिक्सचर लेके मैं मामा की तरफ आ गई थी, मैंने सोचा कि चलो कचौरियाँ उधर जाके बनाती हूँ। अब ये जो डो है अब मैं इसको फ्लैट कर रही हूँ, आपने से फ्लैट कर लेना है पहले इसको, और इसकी मदद से आपको फिर इस वजह से आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसके पेड़े बनाने के लिए, कि आपको आपके जो पेड़े हैं वो इक्वल साइज़ के बनेंगे, फिर वो कम या बड़ा या छोटा नहीं बनेगा। अब आप छोटे छोटे से पेड़े अब बनाते जाएंगे, ना बहुत छोटे बनाने ना बहुत बड़े। जिस तरह आप आलू का पराठा नहीं बनाते, उसके लिए आप छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं, उस साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं। मेरी कचौरी का साइज़ ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था, नॉर्मल मीडियम साइज़ था। अब आप इस तरह के बनाते जाएंगे और मेरे जो उनसे हैं वो 6 बने थे पराठे, सॉरी कचौरियाँ इसके बीच में से। और आप बनाते जाएंगे और मैं साइड पर रखती जाऊँगी और वीडियो को मैं तेज़ कर लूँगी ताकि जो है आपके साथ बाकी का प्रोसेस शेयर कर सकूं और आप वीडियो स्किप करके आगे ना देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और देखें बातें करते करते मेरे 6 पेड़े बन चुके हैं। अब मैं एक पेड़े को लूँगी और उसको पहले खुशके में डिप करूँगी और इसको मैं छोटा सा बेल लूँगी। अब आप बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे, आपने पतली सी रोटी सी बेल लेनी है, छोटी सी, मोटी नहीं करनी। फिर आपने इसको ना चौरस पराठे की शेप देनी है, जो आप चौरस पराठे, वैसे तो मुझे तो सहरी में चौरस पराठे बनाने की ही आदत है, मैं वही बनाती हूँ, आप अपने मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। अब आप इसको फ्लैट बेल लिया है, अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे, घी लगा लेंगे। घी के बीच में मैंने थोड़ा सा मैदा मिक्स किया हुआ है। अब ये फ्लैट सब बेलने के बाद इसके ऊपर आप इसको चौरस पराठे की शेप दे देंगे जल्दी जल्दी से। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया हुआ है क्योंकि फिर जो उनसा है वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। ये जी चौरस पराठा बन चुका है, इसी तरीके से मैं सारे पराठे बनाती हूँ, चौरस पेड़ा फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें चौरस पेड़ा बन चुका है और ये 6 के 6 मैं बना चुकी हूँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके। अब हम इस चौरस पेड़े को फ्लैट करते जाएंगे और अब मैं एक पेड़ा ले रही हूँ और इसको आपने ऐसे ही खुशके में थोड़ा सा डिप कर लेना है या हाथ की मदद से ऐसे फ्लैट करते जाएँ और आपने इसको बेलना है। अब इस स्टेज पर आपने इसको बहुत बड़ा नहीं करना, नॉर्मल सा छोटी सी जो रोटी नहीं होती उस तरह से बेलना है और इसको मोटा मोटा ही रखना है, इसको फ्लैट नहीं करना, वरना आप अगर इसको बहुत पतला कर देंगे ना तो आपकी कचौरी जो है वो फिर पीछे से बैक साइड से फट जाएगी जब आप इसको शेप दे रहे होंगे। मेरे ख्याल में इतना इनफ है, इतना ही देना है। ये देखिए ना बहुत मोटा है ना बहुत पतला है,
इस स्टेज पे आप इसको थोड़ा सा ही आप इसको करेंगे, हाथों की मदद से करते जाएंगे फ्लैट, और बेलन की हेल्प से आप इसको फ्लैट सी रोटी बना लेंगे। अब मैं इसको हाथ पे रखूँगी और इसके बीच में मैं जो कचौरी का मिक्सचर मैंने बनाया हुआ वो ठंडा हो गया हुआ है वो डाल दूँगी। अब आप मैंने इसमें ना बहुत ज़्यादा डाला ना बहुत कम, नॉर्मल मीडियम ही डाला था मैंने। इसमें 3 चम्मच जौन सा है मिक्सचर डाला है। अब हम इसको नीचे रखेंगे और ये जो दो एजेस है ना कचौरी के, ये पराठे के, हाँ इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, एक दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे चिपका देंगे, फिर इन दोनों को एक दूसरे के साथ चिपका देंगे, फिर जो ये बाकी के इसके 4 पैक्स हैं ना इनको भी आपस में हम ऐसे ही जोड़ देंगे ऐसे, और इन दोनों को भी ऐसे जोड़ के आप इसको दबा देंगे और ज़ोर से प्रेस कर देंगे। और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे अपने हाथों पे, दोनों तरफ घी लगा के, और फिर हम इसको एक प्लेट में रख देंगे। और इस तरह मैं इस बाकी के सारे भी जो हैं इसी तरह से बना दूंगी। ये देखिए आप इसको प्रेस कर देंगे, अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते आपकी मर्ज़ी है, मुझे वैसे इस प्रेस हुई भी पसंद है, आप गोल भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह ठीक है, खाने में भी ईजी है और बनाने में भी ईजी है। अब भी इसी तरह से जी मैं बाकी की दूसरी कचौरी बना रही हूँ, और मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर लिया है ताकि आप बोर ना हो और वीडियो को स्किप ना करें। सेम उसी तरह से जी आपने इसको फ्लैट सा बेल लेना है, फिर इसके बीच में आपने मिक्सचर डालना है, कचौरी की शेप देनी है, और फिर इसको फ्राई करना है जी। इसके बीच में मैं इस तरह मिक्सचर डाल रही हूँ, 3 चम्मच मैं इसके बीच में मिक्सचर डाल रही थी, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। इस तरह से आपने इसके कॉर्नर्स को एक दूसरे के साथ मिला देना है और ज़ोर ज़ोर से प्रेस कर देना है। याद रहे कि आपने प्रेस ज़ोर से करना है ताकि ये आपस में चिपक जाएं, और फिर बैक साइड पे भी करके इसको आप ऐसे फ्लैट सा कर देंगे जी। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, जितनी देर में मेरी अब ये कचौरियाँ साइड पर बन रही हैं और साथ साथ बनाती जा रही हूँ, और ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। ये रही जी लास्ट कचौरी भी मेरी बन चुकी है। अब इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था तो मैंने कहा मैं जल्दी से फ्राई कर लूँ, क्योंकि उसको फ्राई होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब मैं जी ऑयल को चेक करने लगी हूँ, चेक करी ये ऑयल हो गया गर्म, देख इतना गर्म होना चाहिए इतना, ये देखें इतना गर्म होना चाहिए, ये देख डालते ही ऊपर आ गया। तो इतना ऑयल गर्म हो चुका है, मेरे इस ऑयल को इतना गर्म करना था। मैं क्या करूँगी, वन बाय वन कचौरी को उठाऊंगी और इनको फ्राई करूँगी और बहुत एहतियात से डालूंगी, डाल के मैं बता क्या करी, मैं चमचे पर आपके फिर अंदर रख रही हूँ, ये देखो अंदर रखा, बिस्मिल्लाह, ये देख ये डाल दिया हमने एक, अब हम इसके ऊपर बीच में दूसरी डालते हैं आराम से, क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ जल सकता है, तो मैं चमचे के परख के डाल रही हूँ। कितनी डाल सकती हूँ एट अ टाइम, 3? हाँ 3 3 करके फ्राई कर लेते हैं। चल आप करीब से दिखा, अब हम इसको ऐसे डाल दिया है, अब जनाब आप इस कचौरियों को आपने मीडियम से मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखना है, लो फ्लेम पे नहीं रखना वरना यह खुल जाएंगी या इस तरह ख़तरा हो सकता है। बस आपने इसको कलर ही देना है, साइड चेंज करते जाएं, इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं, और दोनों तरफ से आपने लाइट गोल्डन सा इसको कलर, अच्छा सा कलर ले आना है, ना चिट्टा चिट्टा छोड़िएगा वरना लगेगा कच्ची कचौरियाँ आप खा रहे हैं। ये देखें जी फूलती भी जा रही है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त कचौरियाँ बनी थी ये, हम मैंने जब ट्राई की सब ने खाई और सबको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। आप ये देखें दोनों साइड पे इक्वल कलर आ चुका है, और इस स्टेज पे मैं इन कचौरियों को निकाल रही हूँ। और अभी हम यहाँ पे जी समोसे ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे समोसे ट्राई कर रहे हैं, भाई दिखा भाई क्या चीज़ें टेबल रेडी हुआ है, और देखो 3 ये कचौरियाँ 3 रेडी हो चुकी हैं, और ये प्लेट हम रेडी कर रहे हैं, और ये बाकी की कचौरियाँ ये रही, और बाकी इसमें मैंने रखने हैं समोसे, बाकी लोगों ने दिखा के हेलो हेलो सो ये रही मेरी कचौरियों की फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपने इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करना है, और मुझे फीडबैक लाजमी देना है कि आपने बनाई तो आपकी कचौरियाँ कैसी बनी। मेरी तो बहुत मज़े की बनी थी, नेक्स्ट लेवल की बनी थी, एकदम ऐसे लग रहा था जैसे बाज़ार की लिख रही हूँ, और आजकल आपको पता है रेट्स इतने ज़्यादा हैं तो घर में बनाए सस्ते रेट्स में। और ये देखें जी इफ्तारी का टेबल रेडी हो चुका है, इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था तो हमने जी टेबल रेडी कर दिया है, और अब हमने कहा बाहर चल के देखते हैं बाहर क्या करें। ये देखें जी ये लोग जी यहाँ पर मज़े से खेल रहे हैं रैकेट शूटर, और इफ्तारी में कुछ ही टाइम रह गया, और मैं कहने आई हूँ बहुत कम टाइम रह गया, चलो जल्दी से हो गया 35 पे खुलना चाहिए। आप
घर ही ना रे हल्की बंगी दो शॉट में आ गई।